ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। क्या बात है, क्या बात है, बोलो। से आवाज नहीं निकलती थी, चीखो पुकार के था। एक दफा, दो दफा तंग हुआ, ये सिलसिला कुछ चार पांच मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मेरी बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाकये के लिए आई हुई है, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी दो जवान बेटियां हैं, न मुझसे और न हमारी तुम्हारी मां से तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई है, हमने तो तुम्हें इस तरह अपने हाथों में नहलाया और बड़ा किया है। मेरी सबसे अजीज, अपनी मां से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे तीन स्टंट लगे हुए हैं। मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा, जरा थोड़ा ठहरो। वो गई मां को मनाया तो मां ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं, वो सुन रही हैं और उस वीडियो में तुम हो। आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी मां नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी मां नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूं और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूं। सारी जिंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा, बेटा ये कैसे मुमकिन है।